बिग बैंग से एक छोटे से बिंदु से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद जीवन कैसे अस्तित्व में आया, ये बात आज भी रहस्य है। तो आइए जानते हैं जीवन के अस्तित्व के बारे में। पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, यह निश्चित रूप से कह पाना एकदम कठिन है। वैज्ञानिकों ने हमारी धरती की उम्र लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष लगाई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी करोड़ों वर्ष पुरानी है। जीवन की उत्पत्ति एक रोचक घटना है। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है तथा पृथ्वी उसके सामने एक छोटे से कण के मात्र है। पृथ्वी का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गैसों के आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराने के कारण हुआ। इससे गैसों के टकराने से वे संघनन प्रक्रिया से लिक्विड में चेंज हुए। इसके साथ ही हमारे आकाशगंगा का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण के बाद कई लाखों वर्षों तक पृथ्वी वीरान सी रही और धीरे धीरे इसमें सिंगल सेल जीवों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए दावों में तो यही कहा गया है कि विभिन्न जीवों का निर्माण सिंगल सेल जीव से ही हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों के कई मत हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले अत्यंत सूक्ष्म प्राणियों का जन्म हुआ, जिनका लुक ल्यूब्रिकेटेड मेम्ब्रेन के समान था। ऐसे जीवों में खाल या हड्डी नहीं थी तथा इनका विकास समुद्र के किनारे पानी में हुआ था। तो आओ बात करते हैं दो थ्योरीज के बारे में जो लाइफ की शुरुआत के बारे में बताती हैं। फर्स्ट वन, श्योर स्पोर प्रिंसिपल पैनस्पर्मिया। ऐसे तो जीवन की उत्पत्ति को लेकर कई धारणा है और बनाई भी गई है। मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर हमेशा से रहस्य ही बना है। पैनस्पर्मिया थ्योरी के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति किसी दूसरे ग्रह से हुई है। पैनस्पर्मिया एक ग्रीक शब्द है जिसमें पैंस का अर्थ होता है सब और पर्मिया का अर्थ होता है जीवाणु। इस थ्योरी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास पृथ्वी के बाहर उपस्थित अंतरिक्ष धूल द्वारा वितरित उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या किसी अंतरिक्ष यान द्वारा सूक्ष्म जीवों को पृथ्वी पर लाए जाने से हुआ है। कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि धरती से पहले किसी अन्य ग्रह पर जीवन का विकास हुआ था। वे क्षुद्र ग्रह और अन्य उल्का पिंडों द्वारा सूक्ष्म जीवों के रूप में इस धरती पर आए और इन्हीं सूक्ष्म जीवों से जीवन की उत्पत्ति हुई। इससे हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य खुद इस धरती पर एलियन की तरह आज निवास करता है। सेकंड, ऑटो बर्थ प्रिंसिपल। पृथ्वी का जन्म आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। हम यह मान सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जीवन का विकास पहले 1 अरब वर्ष में ही हो गया था। सबसे प्राचीन ज्ञात जीव सूक्ष्म तथा आकृतिहीन थे। पुरातत्व द्वारा पुराने चट्टान के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि बैक्टीरिया के जीवाश्म 3.5 से 3.8 अरब वर्ष पुराने हैं। जीवन का सबसे प्राचीन प्रमाण सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में मिलता है, जो अत्यंत सूक्ष्म जीवों के अवशेष हैं। यह सूक्ष्म जीव वर्तमान काल के दरिया में थे, जिनका आकार 1 से 2 माइक्रोमीटर था। यह सूक्ष्म जीव सिंगल सेल बिना किसी स्ट्रक्चर के जीवित हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह भी कहा गया है कि यह सूक्ष्म जीव पृथ्वी में होने वाले रासायनिक और गैसीय बदलाव के कारण स्वतः ही इस धरती पर जन्म में आए होंगे। इन सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। शोध के जरिए यह पता चला है कि इनके जीवाश्म का उद्भव अभी से 1.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर पहले 2 अरब वर्ष पहले केवल बैक्टीरिया का ही अस्तित्व था। अभी तक वैज्ञानिक यही मानते आए हैं कि इस धरती पर सबसे प्राचीन बैक्टीरिया आर्क बैक्टीरिया हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति के शुरुआती समय में गर्म झरनों के उबले पानी में तथा गहरे समुद्री ज्वालामुखी छिद्रों के आसपास बिना ऑक्सीजन वाली जगह पर यह बैक्टीरिया उत्पन्न हुए होंगे। यह सरल संरचना वाले हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह पाते हैं। ऑक्सीजन इनके लिए जहर समान है। यह प्राचीन प्रारंभिक जीव हैं, लेकिन अन्य सभी बैक्टीरिया जैसे ही हैं, बस इनकी सेल वॉल बहुत कठोर है।
तो इन दो थ्योरीज में से आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सत्य है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।